डाउन नहीं होगी। एंड नाउ इसी के साथ मैं अपने थर्ड पॉइंट को इंट्रोड्यूस करूंगा। व्हाट वाज दैट? कैमरा। सो अगर मैं कैमरा एक ऐड ऑन कर रहा हूँ, कैमरा एक ऐसा फीचर जिसके बिना शायद हम रह नहीं सकते, चाहे स्नैपचैट हो, चाहे इंस्टाग्राम में रील्स बनानी हो, चाहे टिकटॉक से वीडियो अपलोड करने हो, या फिर इम्पोर्टेंट जूम कॉल मीटिंग लेनी हो, तो कैमरे के बिना तो हम अपने मोबाइल को इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो जैसे हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा कैमरा जो है वो अगर क्या बोलते हैं हमारी रैम जो है उसका माइंड है, तो कैमरा कहीं ना कहीं उसका सोल। So, ये तीन बेस्ट फीचर हमारी कंपनी आप लोगों को लेकर के आ रही है, जहां पे आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, द बेस्ट कैमरा कैमरा क्लियरिटी एंड द थिंग दैट बैटरी, ये तीन प्रॉब्लम्स हमारी कंपनी शॉर्ट करने जा रही है। तो क्या आप रेडी हैं इस फोन को अपनाने के लिए? एंड द थिंग्स ओनली द थिंग कि आप तीन बुलेट पॉइंट रेडी करेंगे, तीन बुलेट पॉइंट के बाद में रेडी करने के बाद में उसको आप अपने हिसाब से कीजिए। अब मुझे पता है मुझे कितना देर बोलना है, मुझे एक मिनट में खत्म करना है तो मैं एक मिनट में खत्म करूंगा, मुझे अगर डेढ़ मिनट तक खींचना है तो मैं डेढ़ मिनट तक खींचूंगा, अगर मुझे 120 मिनट तक भी खींचना है तो मैं इसको और कहानियां सुनाते जाऊंगा। इट्स टोटली अप टू मी। तो मेक श्योर कि जब भी आप अपना ये रेडी करें तो आपको सबसे पहले अपने टाइम को डिवाइड कर देना है कि आप शुरू के अगर एक मिनट मिला हुआ है तो मुश्किल से दो से तीन सेकंड आपका ग्रीटिंग में चल जाना चाहिए, मॉर्निंग टू मॉर्निंग। माई टूडेज टॉपिक इज, पता होना चाहिए कि आप किस बारे में बोलना चाहते हैं। अगर आप उसको सरप्राइज करना चाहते हैं, एट द एंड बोलना चाहते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल, ताकि क्यूरियोसिटी बढ़ती रहे लोगों की। तो ये भी आपके पास में सेकेंड ऑप्शन है, तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? यस। हमको किसी का इंट्रोडक्शन अगर देना है तो स्टार्टिंग हमको कैसे करनी चाहिए? स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में जनरली स्टार्टिंग में नाम नहीं लिया जाता है, उनके जो अचीवमेंट्स हैं वहाँ से हम लोग बात करते हैं, और कभी भी हमें किसी कोड के साथ में या किसी भी जो वर्ड्स हैं, लाइन्स हैं, ब्यूटीफुल लाइन्स हमें अगर मिलती है तो उसके साथ में हमें स्टार्ट करना चाहिए। देन उनके लाइफ के बारे में हमें बताना चाहिए, अचीवमेंट्स के बारे में ज़्यादा बताना चाहिए, एंड देन हम आखिरी में जा करके ना आई वुड लाइक टू इन्वाइट द पर्सन, और देन उनको इनवाइट करना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में जनरली ये होता है कि अब मैं गौरव को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, एंड देन उसके बारे में अगर नहीं बोले तो हमें बहुत टाइम हम लोग ये करते हैं कि आखिरी में नाम अनाउंस करते हैं और तब तक कि हम उनका इंट्रोडक्शन पढ़ते रहते हैं। तो ये जनरली हम कर सकते हैं ये दोनों तरीके, लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन में पहले नेम यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई ऐसा एकदम रूल नहीं है कि आप उसको नहीं कर सकते, उसको स्टार्टिंग में भी रूल ये कर सकते हैं। इसीलिए हो जाते हैं, हम लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने के चक्कर में चले जाते हैं हमेशा।